टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जिंदा दिल एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को काल ने असमय दुनिया से छीन लिया। सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया था, लेकिन केवल 40 की उम्र में अचानक उनके निधन से एक्टर का परिवार, दोस्त और फैंस भी सदमे में हैं। यह सभी जानना चाहते हैं कि आखिर उस रात अचानक क्या हो गया था। देर रात तकरीबन 3 से 3:30 के दरमियान सिद्धार्थ शुक्ला के पास मौजूद शहनाज गिल को उन्होंने बताया कि उन्हें बेचैनी हो रही है, सीने में दर्द है और उलझन सी है। इसके बाद शहनाज गिल ने सिद्धार्थ की मां को फोन किया। सिद्धार्थ की मां भी इसी अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर रहती हैं। सिद्धार्थ की मां शहनाज गिल के एक कॉल के बाद 1204 नंबर के फ्लैट में आई। मां ने सिद्धार्थ से बात की, एक्टर को पानी देकर उन्हें सोने के लिए कहा। मां ने कहा कि वे आंख बंद करके आराम करें और सोने की कोशिश करें। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल की हथेलियों पर ही सर रखकर सो गए तो फिर नहीं उठे। पुलिस को दिए बयान में शहनाज गिल ने बताया कि उन्हें वॉशरूम जाना था, लेकिन सिद्धार्थ की परेशानी को देखते हुए वह बिस्तर से नहीं हिली।